नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। रायबरेली सदर विधानसभा क्षेत्र के पांचों मंडलों का दौरा करने के बाद जिला भाजपा कार्यालय में आयोजित भाजपा कार्यकर्ताओं की सभा को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी के सदर विधानसभा संयोजक अरविंद श्रीवास्तव एडवोकेट ने कहा कि भाजपा सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर वर्ग को सीधे मिल रहा है, जिससे आम जनता में खुशी की लहर है। उन्होंने ये भी कहा कि गैर भाजपा सरकारों में उत्तर प्रदेश की जनता 10-10 घंटे बिजली कटौती का दंश झेल रही थी, और वहीं जब से भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी तब से पूरे प्रदेश में नगरीय क्षेत्रों में बिना किसी भेदभाव के पूरे 24 घंटे निर्बाध रूप से बिजली मिल रही है। इस अवसर पर वरिष्ठ भाजपा नेता पशुपति शंकर वाजपेयी विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। पशुपति शंकर वाजपेयी ने मंडल पदाधिकारियों से आह्वान किया कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पंक्ति में बैठे अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में मदद करें। इस मौके पर भाजपा लोकसभा विस्तारक कामत नाथ विशेष रूप से उपस्थित रहे। बेला भेला मंडल अध्यक्ष जितेंद्र सिंह, मंडल प्रभारी विवेक शुक्ला, राही मंडल अध्यक्ष वेद प्रकाश पांडे, प्रभारी अनुज मौर्य, अमावा मंडल अध्यक्ष वीरेन्द्र सिंह, प्रभारी दिलीप द्विवेदी, नगर पूर्वी मंडल अध्यक्ष अभिषेक वर्मा, नगर पश्चिमी मंडल महामंत्री राजीव जायसवाल ने मंडल और मोर्चा पदाधिकारियों से युद्ध स्तर पर चुनाव की तैयारी में लग जाने की अपील की। इस अवसर पर भाजपा नेता अजय सिंह, सुनील शुक्ला, नीलेश सचांद सहित सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। रायबरेली से ब्यूरो वसीम खान की रिपोर्ट। देखिए, जब से मुझे सदर विधानसभा की जिम्मेदारी सौंपी गई है, संयोजक बनाया गया है, इसके बाद से मैं जो हमारे यहाँ के प्रभारी हैं सदर विधानसभा के, आदरणीय श्री पशुपति शंकर वाजपेयी जी और रायबरेली लोकसभा के जो विस्तारक हमारे हैं कामता नाथ जी, इनके साथ मिल करके हम लोग पूरे सदर विधानसभा का दौरा किया है हम लोगों ने। और उसके बाद जो भी मंडल हमारे हैं भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से, अमाओ मंडल सदर विधानसभा में लगता है, राही मंडल है और बेला भेला मंडल है, नगर में दो मंडल है, नगर पश्चिमी और नगर पूर्वी, इन सभी मंडलों में हम लोगों ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है, वहाँ के लोगों से संपर्क किया है और लोगों में एक ज़बरदस्त उत्साह है, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी ने पॉलिसीज बना रखी हैं, जो नीतियाँ बना रखी हैं, जिसमें कि जो है तमाम प्रकार की योजना है, जैसे गरीब खाद्यान्न योजना है और उज्ज्वला गैस योजना है, और अभी देखिए सोलर के लिए योजना दी है, दिया है उन्होंने कि हमारे ऊर्जा की बचत हो, इस प्रकार से सैकड़ों योजनाएं हैं जिसको लेकर वहाँ पर बड़ा ज़बरदस्त उत्साह लोगों में, और लोगों ने पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मन बना लिया है। अभी कहाँ आ गए हैं आप, कहाँ से संपर्क किया? जैसा कि मैंने बताया आपको कि पांच मंडल हैं सदर विधानसभा में, अमाओ मंडल, राही मंडल, बेला भेला मंडल, नगर पूर्वी, नगर पश्चिमी, इन सभी के भाजपा कार्यकर्ताओं साथ जितने भी शक्ति के इनके संयोजक हैं और खासतौर से जो मोर्चों के पदाधिकारी हैं, इन सभी लोगों से हम लोगों ने बैठक की है सबके साथ मिल करके और सभी को हम लोगों ने सक्रिय किया है। मंडल में आपके कौन कौन शामिल हैं, कितने लोग हैं? हमारे आदरणीय पशुपति शंकर वाजपेयी जो कि प्रभारी हैं, कामतानाथ जी विस्तारक हैं और सभी हमारे मंडल अध्यक्ष और मंडल प्रभारी कार्यक्रम में शामिल थे। और जैसा कि मैंने देखा कि गांव-गांव में जो सदर का जो गांव का एरिया है, इसमें जो लोगों में उत्साह है, उसके लिए सबसे बड़ा कारण ये है कि जो आज से 5-6 साल पहले जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, उस वक्त आपने देखा होगा कि पूरे प्रदेश में 8-8 घंटे 10-10 घंटे बिजली की कटौती होती थी। जब से भाजपा की सरकार आई है उसके बाद से पूरे उत्तर प्रदेश को 24 घंटे बिजली मिल रही है, इस बात को लेकर जनता बहुत उत्साहित है। आप देखते थे कि किस तरह से हमारे घर के लोग गैस के लिए जाकर के लाइन लगाते थे सुबह 4 बजे जाकर के, और उसके बाद भी मारपीट होती थी, गैस नहीं मिल पाती थी। आज की तारीख में केवल आप मैसेज कर दीजिए, फ़ोन कर दीजिए, घर पर आपकी गैस आ जाती है। इन सब चीज़ों को लेकर जनता उत्साहित है और पारदर्शी व्यवस्था दे रही भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मन वोट देने का मन बना दिया है। इस खबर में बस इतना ही, बने रहिए लाइव टीवी एक्सप्रेस के साथ।